हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एट दिस प्लेटफॉर्म। तो क्वांटम गेट बुक सॉल्यूशंस के इस कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन का पार्ट वन, जहां पर हम लेवल वन में पूछे गए क्वेश्चंस का, दिए गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट वन फ्रॉम द मेंसुरेशन सेक्शन। आप मुझे अनअकैडमी पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे SSC से रिलेटेड कुछ कोर्सेज हैं, तो इन सभी कोर्सेज का आप जाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट, अगर क्वेरी होती है, तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेलोग्राम विद वन इंटीग्रल एंगल्स इज 150 इज 64 सेंटीमीटर। तो बताना है लेंथ ऑफ इट साइड, जबकि उसका एरिया आपको बोला गया है कि आपको मैक्सिमम लेना है। तो देखिए, ऐसा पैरेलोग्राम जिसका आपको एरिया मैक्सिमम ले जाना है फॉर द गिवन पेरीमीटर, वो क्या होगा आपका, वो रोम्बस होगा। तो फॉर द कंडीशन ऑफ रोम्बस, आपको पता है कि ऑल द साइड्स विल बी इक्वल, आपको पेरीमीटर दिया गया है, यानी कि 64 डिवाइडेड बाई 4 विल गिव यू 16। तो साइड्स क्या होंगी पैरेललोग्राम की, विच विल हैव द मैक्सिमम एरिया, दैट इज 16 एंड 16। तो एक आप इससे इस तरीके से सिंपली कर सकते थे, बट अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए कि हाउ इट विल बी मैक्सिमम, तो आप इसको फंक्शंस के रूप में बनाकर देख सकते हैं। कैसे, आपके पास ये क्या है, पैरेललोग्राम है, आपने इसकी एक साइड मानी डी, विच विल बी इक्वल टू द अदर साइड विच इज द पैरेलल ऑफ दिस साइड, और दूसरी साइड आपने मान लिया बी। ये एंगल आपको 30 दिया गया होगा, क्योंकि ये 150 बोला गया था, तो दिस विल बी 30। तो अगर मैं इस पैरेललोग्राम की हाइट की बात करूं, तो यहाँ पर साइन 30 वैल्यू लगाकर ये और ये साइड में रेशियो कितना होगा, 1:2 का। अगर 2:2 की वैल्यू आपको दी गई है डी, तो एच की वैल्यू क्या होगी, D/2। ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, थोड़ा रेशियो कन्वर्जन है, आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। सो नाउ अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, तो व्हाट विल बी द पेरीमीटर, ट्वाइस ऑफ डी एंड ट्वाइस ऑफ बी, विच इज बेस एंड दिस डी। अब डी और एच के बीच में रिलेशन दे दिया गया, जो आपने निकाला कि अगर ये 30 डिग्री एंगल है, तो दिस एंड दिस साइड विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो यहाँ से एच की वैल्यू आपने निकाली थी D/2, तो डी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2H, विच विल गिव यू 4H+2B। अब इसकी वैल्यू आपको दी गई थी 64। यहाँ से अगर मैं बी की बात करूँ, तो बी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 64 - 4H/2। अब इस बी की वैल्यू को आप पुट करेंगे इसके एरिया में, यानी कि इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस की वैल्यू आपके पास ये है, दैट इज 64 - 4H/2। इसमें एच का मल्टीप्लीकेशन देंगे, आपको एरिया का फंक्शन मिलेगा 64H - 4H² / 2A, I mean 2। अब इस एरिया के बारे में आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि इस एरिया की वैल्यू ले जानी है आपको कितनी, मैक्सिमम। तो ये आपने फंक्शन माना FA। अब इस वैल्यू को आपको अगर मैक्सिमम ले जाना है, तो वॉट विल यू डू, यू विल डिफ्रेंशिएट दिस वैल्यू। डिफ्रेंशिएशन आप गैस आपको आता होगा, डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका वन टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1/2, 64H का आपका H चला जाएगा, 64 बचेगा, 4H² का आपका 8H बनेगा। अब इसकी वैल्यू को आपको रखना होगा इक्विवेलेंट टू 0 फॉर दी मैक्सिमम एरिया। इसे अगर आप इक्विवेलेंट रखेंगे 0 के, तो यहाँ से आपके पास H की वैल्यू आएगी 8, जो कि आपको D की वैल्यू देगा 16 एंड B की वैल्यू भी क्या देगा, 16। तो ये आपका इस वैल्यू का क्या था, कन्फर्मेशन था, एक्सप्लेनेशन था। अदरवाइज आपको क्या करना होगा कि अगर कोई भी आपको पैरेललोग्राम दिया जाता है, उसकी पेरीमीटर दे दी जाती है, और आपसे बोला जाता है कि आपको उसका मैक्सिमम एरिया देखते हुए बताना है कि साइड्स क्या होंगी, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी अ रोम्बस। अगर रोम्बस की हम बात करते हैं, तो ऑल दी साइड्स विल बी इक्वल, एंड इफ वी आर गेटिंग ऑल दी साइड्स इक्वल, तो डिवाइड द पेरीमीटर बाई 4, व्हाट विल यू गेट, 16। सो 16 एंड 16 विल बी द साइड्स ऑफ द रोम्बस। अ स्पेयर ऑफ 30 सेंटीमीटर रेडियस इज ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ 80 सेंटीमीटर डायामीटर विच इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर, देन इट्स लेवल राइजेज बाई x सेंटीमीटर। तो बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो आसान सा एक फिनोमेना है, आपने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उस सिलेंड्रिकल वेसल में आपने एक स्पेरिकल बॉल डाल दिया, जिसके बारे में आपको बोला गया कि इट हैज़ 30 सेंटीमीटर रेडियस, जिस वजह से जो सिलेंड्रिकल वेसल में पानी था, उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज कर जाती है, लेवल राइज कर जाता है x सेंटीमीटर से। तो उस राइज, वो जो राइज होगा, उसकी वैल्यू बतानी है कि वो वैल्यू आपको क्या होगी। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि जब आप उस सिलेंड्रिकल बॉल को, उस स्पेयर बॉल को सिलेंड्रिकल वेसल में डालेंगे, तो द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। ये सिंपल सी एक चीज है, सिंपल सी एक बात है जो आपको सभी को पता होगी। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस विल बी वॉट, जो हाइट उसने लेवल में चेंज करी होगी, इन टू द एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वेसल, जो उसके बेस का एरिया होगा, दैट इज π r², r वैल्यू क्या है उसकी, 40, क्योंकि डायमीटर 80 था, into h is what the rise in the level equal to the volume of the sphere 4/3 into that is pi and the radius का cube। ये आपका volume of the sphere है। h की value calculate करनी है, h की value क्या आएगी आपके पास, 22.5, which is the level of water rises, कितना होगा, 22.5 centimeter। Amit walked 12 meter towards east, then वो turn करता है अपने right में और walk करता है 18 meter,
देन वे फिर अगेन वो रन करता है राइट में और वॉक करता है 12 मीटर, देन अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट और वॉक करता है 28 मीटर, देन ही अगेन टर्न करता है राइट में और वॉक करता है 24 मीटर. एट वॉट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड इन विच डायरेक्शन. तो देखिए बस थोड़ा सा डायरेक्शन सेंसेस का क्वेश्चन है, जैसे जैसे आपको बोला गया आपको वो फॉर्म करना था. ना सपोज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट, आपको बोला गया 12 मीटर वो ईस्ट साइड में चला, 12 मीटर आया, राइट टर्न करता है 18 मीटर चलता है, देन अगेन राइट टर्न करता है 12 मीटर चलता है, देन अगेन राइट टर्न करता है और चलता है वो 28 मीटर. अब फिर से अगेन वो राइट टर्न करता है, चलता है 24 मीटर. तो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट अब वो इधर है, तो ओके रेस्पेक्ट में एल की डायरेक्शन क्या है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट. डायरेक्शन सेंसिंग आई गेस आपको पता होगा. अब अगर आपको एल ओ की वैल्यू पतानी है और ये वैल्यू आपको पता है कि भाई अगर ये 18 था ये 28 है, तो दिस विल व्हाट 28 माइनस 18 यानी कि ये 10 है ये 24 है. पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपके सामने हैं, 24 10 तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ये 12 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, तो 12 5 और ये कितना होगा 13, यानी 13 इंटू 2 आपको कितना देगा 26. पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आई गेस आपको पता होंगे, तो ओ एल विल बी 26 और डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी, नॉर्थ ईस्ट. तो ये था आपका ओएल जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 26 मीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल इफ इट्स एरिया इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइपोटेनस आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर. तो अगर देखिए आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में पता है, आपको पता है कि भाई हाइपोटेनस 13 किस केस में होता है, आपको पता है कि हाइपोटेनस 13 होता है जब आपके पास पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं 5, 12 और 13, ठीक है. तो आप वहाँ पर हिट एंड ट्रायल लगाकर देख सकते हैं कि भाई 5 और 12 का अगर आपके पास बेस और हाइट है किसी राइट एंगल ट्राइंगल का, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर आप एरिया देखेंगे तो 12 5 कितना देगा 60 और 60 डिवाइडेड बाई 2 आपको देगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपको पता चल गया कि बेस और हाइट की वैल्यू आपके पास कितनी है 12 और 5. अब ऐसी कंडीशन में अगर आपको पता चल गया है अदर टू साइज, तो उस कंडीशन में आप सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं. इन रेडियस उसके एरिया और सेमी पेरीमीटर में रिलेशन क्या होता है, दैट इज एरिया विल बी इक्वल्स टू आर एस, आर इज दी इन रेडियस एंड एस इज दी सेमी पेरीमीटर. तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, इन रेडियस निकाल सकते हैं. आई गेस आपको चीज़ क्लियर हो गई होंगी. अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के रूप में भी देख सकते हैं कि जो मैंने बोला वो एक्चुअली में क्या था. आपको पता है कि आपको हाइपोटेनस की वैल्यू दे दी कि 13, अगर ये है आपका बे दैट इज ए सी इक्वल्स टू बी एंड दिस इज ए, तो यहाँ से आप पाइथागोरस लगाएंगे, दिस विल गिव यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 169. अब उसके बाद मैं बात करूँ दिस वैल्यू दैट इज द एरिया वैल्यू यानी कि बेस इंटू हाइट अपॉन टू, ये आपको दिया गया है कितना 30 एज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. अब ये दोनों वैल्यू आपके पास है, आपको पता है ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 169, ए बी की वैल्यू पुट करेंगे दिस विल कम एज 120, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17. ए माइनस बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी करना होता है, कुल मिलाकर आपको ए और बी का डिफरेंस निकालना है, तो ये आएगा आपके पास 7. ए और बी की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी. ये आपके पास एक और तरीका था, बट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में आपको आइडिया है, तो आप वहां से देखकर भी बता कर सकते थे कि ए और बी की एक्चुअल वैल्यू 12 और 5 होने वाली थी, ठीक है. तो अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है कि आपके पास ए है बी है विच इज़ दी हाइट एंड दी बेस एंड दी हाइपोटेनस, तो इस कंडीशन में इनरेडियस आपकी क्या होती है, एल्टीट्यूड प्लस बेस माइनस ऑफ हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपको इनरेडियस देगा 2 सेंटीमीटर. एक ये तरीका था. उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको पता था आपने, मैंने जैसे आपको बताया कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अगर आपको पता चल गए हैं कि साइड कितनी हो गई आपकी 12 5 और 13, इसके कंडीशन में आप सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, यानी कि सम ऑफ दी ऑल साइड्स डिवाइडेड बाई 2 आपको सेमी पेरीमीटर देगा 15. सेमी पेरीमीटर आपके पास है, एन रेडियस इज इक्वल टू एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, एरिया है 30, सेमी पेरीमीटर आपने निकाला है 15, तो एन रेडियस आपका कितना आएगा 2 सेंटीमीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल हैव मैक्सिमम एरिया इफ इट्स पेरीमीटर ऑफ ऑल फिगर्स इज सेम. तो देखिए एक कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको बोला जाए कि पेरीमीटर है सेम सभी फिगर्स का, तो उस फिगर का एरिया सबसे ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ साइड सबसे ज्यादा होंगी. पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए. स्क्वायर ऑक्टागन हेक्सागन में आप नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वॉट अबाउट सर्कल. सर्कल एक ऐसी फिगर होती है जिसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, आप ये बोल सकते हैं, यू कैन नॉट कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स इन एनी सर्कल, ठीक है. तो अगर आपको पता है कि भाई इन्फिनिट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं सर्कल में, तो गिवन पेरीमीटर के लिए, आई मीन कॉन्स्टेंट पेरीमीटर के लिए, द एरिया विल बी मैक्सिमम फॉर दी सर्कल. तो एक तो आप ये सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मेशन यहाँ पर यूज करके आंसर मार्क कर सकते थे ऑप्शन नंबर सी. अदरवाइज आप क्या करेंगे, कोई भी एक जनरल पेरीमीटर का फॉर्मेशन मान लेंगे, उसको आप इक्विवेलेंट करेंगे, साइड्स को आप इक्वल करेंगे, तो वहां से भी आप उस वैल्यू को निकाल सकते हैं. बट एक जो मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मेशन बताया कि भाई अगर आपको पेरीमीटर इक्वल दिया जाता है, कॉन्स्टेंट दिया जाता है सभी फिगर्स के लिए, और आपसे पूछा जाता है कि विच फिगर विल हैव द मैक्सिमम एरिया,
तो उस फिगर का एरिया मैक्सिमम होगा विच इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर बात करूं सर्कल की, तो सर्कल में इन्फिनिट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, तो दैट्स वाई द एरिया ऑफ द सर्कल विल बी द मैक्सिमम। ये वही है जो मैंने आपको बताया, अदरवाइज आप कोई भी जनरल वैल्यू देखकर या फिर उनकी वैल्यू का वहां पर रेशोज निकालकर एरियाज कैलकुलेट कर भी उन्हें कंपेयर कर सकते थे। बात करते हैं एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम जहां पर आपको दिया गया है ए इज 90 डिग्री एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो बताना है बी इज गोइंग टू बी व्हाट। ट्रेपेजियम के बारे में आपको पता होगा कि दो साइड्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और अदर क्या होती हैं, वो नॉन पैरेलल होती हैं। तो दो कंडीशन बन सकती हैं, आपको ए के बारे में बोला गया है 90 और ये साइड अगर इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली जो डी वैल्यू होगी वो भी आपकी 90 डिग्री होगी, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। या तो ये फिगर बन सकता है या फिर आपका ये फिगर बन सकता है, बट दीज टू एंगल्स इज गोइंग टू बी 90। अगर आपको ये पता चल गया तो इस सवाल में आपको कुछ नहीं रह गया, अगर ये 90 है ये 90 है तो सम इज व्हाट 180, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, यानी कि सी एंड डी, सी एंड डी अगर मैं बात करूं आपको कि भाई ए और डी की वैल्यू कितनी है 90, तो यहां पर ए बी सी डी इन सभी की वैल्यू का सम कितना है 360। ठीक है, अगर आपको पता है कि भाई इन सभी वैल्यू का सम है 360 तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज ए और बी की वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि किसी तरीके से भी आप देख सकते हैं कि दिस डी इज गोइंग टू बी 180 माइनस सी, क्योंकि दो वैल्यू का सम है 180, देन डी इज गोइंग टू बी 180 माइनस सी। ए स्क्वायर ए बी सी डी हैज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉन ऑन द साइड ए बी विच इज इंटीरियर टू द स्क्वायर, द ट्राइंगल हैज वर्टेक्स एट जी, तो बताना है मेजर ऑफ द एंगल सी जी एंड बी। ये फिगर है, एक स्क्वायर था, इस स्क्वायर की एक साइड पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करा गया ए जी बी जो कि इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर है। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, आपसे पूछी गई है बी जी सी की, बी जी सी की वैल्यू पूछी गई है। बाकी आपको पता है कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में एक सिंपल सी चीज़ होती है कि सभी एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं। ये आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर के एंगल्स कितने होते हैं 90 होते हैं, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये वैल्यू है 60 तो ये अंदर वाली वैल्यू कितनी होगी 30 होगी। अगर आपको पता है ये 30 है और ये साइड क्या है आपकी इक्वल है, तो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, तो अगर ये 30 है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा इस ट्राइंगल के अंदर 150 का हाफ हाफ, ये इक्वल होगा इन दोनों एंगल्स के, यानी कि 150 का हाफ आपको एंगल देगा कितना बी जी और सी, यानी कि 75 डिग्री दी आपका आंसर होगा। देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स जिनके एरिया का रेशो दिया गया है आपको 9:16 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर डायमीटर्स इज 4 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द आउटर सर्कल। पहली चीज़ आपको क्लियरली ये होगी कि भाई अगर एरिया का रेशो आपको दिया गया है देन रेडियस का रेशो क्या होगा, ऑब्वियसली इसका रूट यानी कि 3/4 विल बी द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ दीज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर इनका डिफरेंस आपको डायमीटर का दिया गया है 4, तो इनके रेडियस का डिफरेंस कितना होगा ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर। बस इतनी सी चीज़ें आपको बहुत क्विकली वे में एनालिसिस करनी थी एंड देन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहने वाला है। आपको पता चलेगा कि आर और कैपिटल आर विच इज द इन रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ द इन सर्कल जो छोटा वाला है एंड देन बड़ा वाला है, उनका रेडियस का रेशो आ गया आपके पास 3x/4x। इनका डिफरेंस आपने निकाल लिया 2 क्योंकि डायमीटर का रेशो दिया गया डिफरेंस दिया गया था 4, तो रेडियस का डिफरेंस कितना हो गया आपका 2, एक्स की वैल्यू कितनी आई 2। अब आउटर सर्कल का कितना हो गया 4 × 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर, अगर आउटर रेडियस आ गया है आपके पास 8 सेंटीमीटर तो एरिया कितना होगा आउटर सर्कल का पाई आर स्क्वायर यानी कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी दी करेक्ट आंसर। अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस हैव सेम बेस, इफ द रोम्बस इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, तो बताना है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ रोम्बस। तो अगेन आसान सा क्वेश्चन है, बेस आपको सेम दे दिया गया, स्क्वायर और रोम्बस की बात की गई, एरिया का रेशो आपसे पूछा है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर, ये हो गया आपका रोम्बस, रोम्बस को इंक्लाइन करा इन्होंने 60 डिग्री पर। आपको क्या करना है, रोम्बस की इस साइड का एच के फॉर्मेशन में आपको रेशो निकाल लेना है। अगर ये 60 है तो एच और ए का रेशो विल बी व्हाट साइन 60 विच इज नथिंग बट √3/2, तो एच का वैल्यू आपने निकाल लिया किसके टर्म में, ए के टर्म में। अब मैं रोम्बस की बात करूं तो रोम्बस का एरिया क्या होगा, बेस इनटू दिस हाइट, इस हाइट का आपने ए के टर्म में वैल्यू निकाला है, एच की वैल्यू पुट करेंगे यहां से तो दिस विल बी इक्वल टू ए इनटू √3a/2, आपके पास रोम्बस का एरिया आ चुका है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर होगा, रेशो निकालेंगे सिंप्लीफाई करेंगे 2√3/3 विल बी दी करेक्ट रेशो। सो दैट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस मेंसुरेशन सेक्शन, लेवल 1 के क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रहे हैं। आई होप आपको ये पार्ट और ये सीरीज पसंद आएगी, तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, एंड अदरवाइज हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपके साथ, एंड बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं आई गेस 6 पार्ट्स यहाँ पर लेवल 1 से बनेंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस का आपके साथ डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद लेवल 2। तो थैंक्स अ लॉट, और इंस्टाग्राम के पेज को आप लाइक कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो लाइक एंड फॉलो द फेसबुक पेज। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यू टेक केयर, बाय बाय।